वीरवार को शिमला जिला प्रशासन ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान निजी स्कूलों को अपने स्तर पर स्कूल बसों का प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिमला शहर में एचआरटीसी की 62 बसें विभिन्न स्कूलों में बच्चों को लाने ले जाने के लिए लगी हुई है, लेकिन अब स्कूल अपने स्तर पर बसों का प्रबंध करें और इन बसों को लोगों की सुविधा के लिए चलाया जाएगा। निजी स्कूलों को हमने कुछ ट्रैफिक संबंधित निर्देश दिए थे और जो पहली भी हमारी मीटिंग जो हुई थी और एक मीटिंग जो माननीय शिक्षा मंत्री उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी उसमें इनको जो है दिशा निर्देश दिए गए थे और साथ ही साथ जो माननीय उच्च न्यायालय है इनकी तरफ से भी कुछ जो निर्देश थे वो दिए गए थे। उनका जो है आज मॉनिटरिंग हुई है कि किस प्रकार से जो इनको निर्देश दिए वो इनको जो है इन्होंने फॉलो किया है। मुख्यतः ये था कि जो एचआरटीसी की 62 बसेज जो हैं प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल्स में लगी हुई हैं उनको फेस मैनर में जो है विड्रॉ करने के लिए, तो माननीय हाईकोर्ट का जो निर्देश था वो ये था कि जितने भी स्कूल हैं वो फेस मैनर में अपनी बसेज या तो खरीदें या उनको हायर करेंगे, तो उसकी जो है आज समीक्षा बैठक आज की गई थी। साथ ही साथ और भी इनको जो है जो निर्देश हैं आज दिए गए हैं, जो प्राइवेट बस स्कूल्स हैं और जो इन्होंने बसेस हायर करनी है उसमें एक आज एक हमने जो है रोड मैप तैयार किया है और जो रेट्स बच्चों से लिए जाएंगे उसमें एसडीएम अर्बन उसमें आरटीओ और डीएसपी जो ट्रैफिक है शिमला के ये उस कमेटी में होंगे और प्राइवेट जो ऑपरेटर्स होंगे जो बसेस चलाएंगे उनसे जो है रेट्स के बारे में ये मीटिंग करेंगे ताकि जो है बच्चों पे जो है अभिभावक जो है ज़्यादा उसमें बोझ ना पड़े। जो मुख्य इसमें टैक्सीज जो चल रही हैं टैक्सीज को विड्रॉ करेंगे और टैक्सीज की जो यूनियन है उन्होंने ही बसेज कुछ हायर किए हैं और चार्टर बसेज वो स्कूलों को देंगे ताकि एक तो बच्चों को जो है पैसे भी कम देने पड़ेंगे क्योंकि जो टैक्सीज में इस समय जो चार्ज किया जाता है लगभग 2000 रुपये जो है वो रेट जो है तकरीबन अगर जब हम बसेज इनको लगाएंगे तो 1500 से 1600 के बीच में रेट जो है वहाँ पर फिक्स किए जाएंगे। अन्य विषय थे जिनके बारे में इनको मैंने आज इनसे चर्चा की और मुख्य इसमें ये कि जो बच्चे हैं वो किसी गलत आदत में ना पड़े तो उसके लिए जो है इनसे मैंने अनुरोध किया कि आपको जो है काउंसलर्स अपने स्कूल्स में लगाने हैं जो बच्चों से टॉक कर पाएँ और उनको बता पाएँ कि जी आपका क्या ठीक वैल्यू सिस्टम है, ना बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हों क्योंकि ये भी देखने में आया कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं और ज़्यादा पढ़ाई का दबाव होता है तो कुछ बच्चे जो है गलत आदतों की तरफ जो है अग्रसर हो जाते हैं, तो किस प्रकार से बच्चों की काउंसलिंग होनी है उस बारे में भी जो है चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।